वैसे तो क्या होता है जब हम स्टार किड होते हैं तो अपने आप में एक प्रेशर होता है कि यार हमें और बेहतर करना है, लेकिन दारा सिंह जी ने जिस तरह से हनुमान के किरदार को निभाया, मतलब वो मासूमियत भी थी, बलशाली भी थी और श्रद्धा, सब उनके चेहरे पे मिला जुला भाव दिखता था। बिल्कुल, उस किरदार को ही दोबारा निभाना सबको ज्वाइन होना चाहिए, इसलिए ज्वाइन फिल्म चैनल को भी इनके पास ज्वाइन होने के लिए आना पड़ा कि वीरेंद्र मीट्स वीरेंद्र। ओके, मेरा भी रियल नाम वीरेंद्र है, वीरेंद्र रंधावा, लेकिन प्यार से सब लोग बिंदु दारा सिंह। आंख बंद करते ही पिताजी की तस्वीर छवि सामने आती है, हनुमान जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद तो उनके ऊपर ही रहा, उनके ऊपर ही रहा। हनुमान जी के लिए तो उन्होंने स्पेशल सीख दी थी बहुत सारी। अच्छा, तो उसमें जो सीखे हैं वो मैं फर्स्ट डे से आज तक फॉलो करते आ रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट डे शूटिंग करने जा रहा था, पहली बार जिंदगी में मैंने मुझे इधर आ जॉइन फिल्म्स, अरे वेलकम टू जॉइन फिल्म्स, दिस इज बिंदु दारा सिंह एंड यू आर वॉचिंग जॉइन फिल्म्स। सब्सक्राइब लाइक कीजिए एंड हमारा एक शो आ रहा है जय श्री राम रामायण, उसे जब भी आपकी सिटी में आएगा जरूर देखिए। जय श्री राम। संदेह दूर कर लो माता, वो दृश्य सामने लाता हूं, तुम दोनों मेरे दिल में हो, मैं छाती को फाड़ दिखाता हूं। जो है सशक्त राघव के भक्त के सरिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। बॉलीवुड के गूगल में इस समय जो सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है वो हो रहा है जय श्री राम रामायण। क्यों हो रहा है, उसकी खास वजह है कि अभी तक हमने रामायण फिल्मों में देखी, टीवी में देखी, स्टेज पर भी कई बार देखी रामलीला के रूप में, लेकिन इसका जो मिला जुला फ्यूजन है, जो एक मिला जुला टेक्नोलॉजी का और माइथो का रूप है, वो पहली बार आ रहा है। और कहा जा रहा है कि अभी तक का ये सबसे बड़ा प्ले है, सबसे महंगा प्ले है, मतलब बिग बजट है, ग्रैंडियर है, सब कुछ है, और उसमें जो हनुमान जी का किरदार निभा रहे हैं हम सबके जाने पहचाने बिंदु दारा सिंह जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। जय श्री राम। जय श्री राम। ये जो प्ले है, ये मैं जिसके पास भी जा रहा हूँ मिलने के लिए, चेहरे पे एक अद्भुत खुशी ला रहा है, आनंद ला रहा है, ये क्या बात है खास इसमें? बिल्कुल, ये प्ले पुनीत सर और उनके बेटे सिद्धांत ने शुरू किया है। 90 दिन आई थिंक इनने पूरी मेहनत की है और अब वो रंग लाने वाली है। ये अपनी तरफ से तो ये सोचते हैं कि हमारा जो पहला शो है वो जनवरी में मेन शो होना है मुंबई में, 4 शो होंगे साथ में, लेकिन ये जो सेंट एंड्रूज में हो रहा है हम लोग पूरे तैयार हैं। पर पुनीत को लगता है इससे भी बेटर कर देंगे, इससे बेटर क्या करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया शो। आई थिंक जो भी फैमिलीज के साथ जाएंगे वो इतना खुश होकर निकलेंगे कि यार मजा आ गया, कि ये क्या देखने को मिला। आई थिंक लाइव शो देखने का मजा ही कुछ और है, और जय श्री राम रामायण देखने के बाद अद्भुत एक चीज होगी जो आई थिंक बच्चों को, फैमिली को साथ में जाकर देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की बिंदु जी, वो ये कि जहाँ पर थिएटर में फिल्म दिखाने के लिए लोगों को बुलाना पड़ रहा है, इसकी क्यूरियोसिटी पहले से ही डेवलप हो गई है। हाँ। जबकि स्टेज शो है, बिल्कुल, इसका टिकट भी उससे ज्यादा का है। हाँ। लेकिन फिर भी हाँ। लोग फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, ये जो ऑडियंस का प्यार और अट्रैक्शन है, इसके हाँ। लिए क्या कहेंगे? नहीं, यार मुझे लगता है कि देखिए ये टिकट इसके महंगे होते हैं क्योंकि बहुत प्ले महंगा है। राइट। तो आप अगर 2500 रुपये का टिकट खरीद रहे हो तो आपको उसका वर्थ एक्सपीरियंस चाहिए। ये प्ले तो ऐसा है कि आगे चल के इसकी टिकट 5000-10000 होने वाली है। Right. तो अभी ले लो, अभी तो बेटर है। तो ये बहुत ही बेहतरीन प्ले इन्हें बनाया है एंड हम सबको उसके साथ एक जो बोलते ना, जो हमारे एक है राम भाई करके जिन्होंने साथ में प्रोड्यूस किया है पुनीत के, फिर और भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं इसके साथ, बहुत बड़ी फिलेसिटी वो भी ज्वाइन हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ जितने ज्वाइन हुए उतना अच्छा, उतना पावर बढ़ता है और उतना ज्यादा ये मैसेज जो है पूरी दुनिया को देखने मिलता है। या हम सोचे ये हमें बस हमारा ही है सब कुछ, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए। जब पांचों उंगलियां मिल जाती है तो मुक्का बनता है। आई थिंक ये मुक्का बहुत जोर से लगने वाला है, हिस्ट्री क्रिएट करने वाला है। तो जैसा बिंदु जी ने कहा कि सबको ज्वाइन होना चाहिए, इसलिए जॉइन फिल्म चैनल को भी इनके पास ज्वाइन होने के लिए आना पड़ा कि वीरेंद्र मीट्स वीरेंद्र। ओके, मेरा भी रियल नाम वीरेंद्र है, वीरेंद्र रंधावा, लेकिन प्यार से सब लोग बिंदु दारा सिंह। तो इसमें जो आपका किरदार है, जो आप अभिनय कर रहे हैं, भगवान हनुमान, जो कि हर चीज में मतलब टॉप लेवल, मतलब श्रद्धा में टॉप लेवल, तो वो एकदम भक्ति को जोड़ देते हैं, है ना, बलशाली हैं, बुद्धिमान हैं, भरोसे में सबसे आगे हैं राम जी के, ऐसा एक मिला जुला किरदार अपने आप में बहुत ही फ्लेवर लिया होता है, शेड्स लिया होता है, इसको निभाना और इसकी तैयारी कैसे हुई?
मैं हमें तो हमारे परिवार पे आई थिंक हनुमान जी का कृपा है जो पिताजी को बहुत बार करने का मौका मिला और मुझे भी बहुत सैकड़ों बार करने का मौका मिलते ही जा रहा है। तो ये हनुमान जी की जब तक कृपा है तब तक ही होगा। तो हमारे जो दिल से ये जो आवाज़ निकलती है जिस तरीके से हमें इसे प्रस्तुत करना है वैसे हम करते हैं। ऑब्वियसली आंख बंद करते ही पिताजी की तस्वीर छवि सामने आती है। हनुमान जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद तो उनके ऊपर ही रहा है और हमें दिखता है कि वही भक्ति हमने लानी है। पहले हमें पिताजी को खुश करना है, उसके बाद हनुमान जी को भी खुश करना है। तो हनुमान जी को के लिए पिताजी का सहारा लेना ही पड़ता है। आई थिंक कोई भी इंसान जो हनुमान जी का किरदार निभाता है उसका रोल मॉडल जिस तरीके से किया गया, जो डैडी ने किया, आई थिंक वही है। उनसे बेटर आई थिंक कोई कभी कर नहीं सकता। हम लोग अपनी जान लड़ाते हैं, जान लड़ा के बेस्ट से बेस्ट करते हैं ताकि लोग खुश रहें। हनुमान जी की जो ब्लेसिंग हमारी फैमिली पे ही हमेशा बनी रहे। अब आप लोग सबको देख के बता रहा है कि हाँ आप खड़े उतरे हैं या नहीं। यहीं से मेरी एक दूसरी बात निकलती है कि वैसे तो क्या होता है जब हम स्टार किड होते हैं तो अपने आप में एक प्रेशर होता है कि यार हमें और बेहतर करना है, लेकिन दारा सिंह जी ने जिस तरह से हनुमान के किरदार को निभाया, मतलब वो मासूमियत भी थी, बलशाली भी थी और श्रद्धा, सब उनके चेहरे पे मिला जुला भाव दिखता था। बिल्कुल उस किरदार को ही दोबारा निभाना, और कंपैरिजन तो आता होगा, खुद को भी डाउट डर होता होगा, वो सब क्या रहता है? नहीं आप, मुझे लगता है कि डैडी ने जो ये निभाया है उनसे एटलीस्ट ऑलरेडी 7-8 बार ज़्यादा मैं निभा चुका हूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा बार इसे निभाया और सराहाया गया है, लोगों का प्यार मिला है, तभी वापस ये मौका मिल रहा है। अब मुझे लगता है कि अब हमारे काफ़ी उम्र हो गई है, अभी बच्चों को करना चाहिए, यंगर जनरेशन को करना चाहिए, लेकिन लोग घूम कहते हैं नहीं तू ही करेगा, तू ही करेगा, तू ही करेगा। तो यानी जब तक प्यार मिल रहा है लोगों का, जब तक लोग खुश होते हैं कि बिंदु को देख के हनुमान जी की सेवा करते हुए, तब तक हम ये ज़रूर करेंगे। ओके, तो एक होता है सिनेमा या टीवी जहाँ पे कैमरा हम करते हैं, एक होता है स्टेज। स्टेज पे तैयारी पहले से बहुत करनी होती है और वहाँ पे एक भी चूक की गुंजाइश नहीं है, है ना? तो अब जैसे जैसे शो करीब आ रहा है, वैसे तो फिल्म की रिलीज भी काफी डराती है, बिल्कुल, है ना, काफी नर्वसनेस पैदा करती है। अब ये शो जो पास आ रहा है ये क्या भावना है, लेके आ रहा है? हाँ, जैसे जैसे शो पास आ रहा है हमें दिख रहा है कि जो पूरी मेहनत सबने की है वो रंग लाएगी, सबके सब तैयार हैं। थोड़ा सा छोटी छोटी इश्यूज आते हैं, जैसे सिद्धांत जो हमारा मेन जो राम है उसको थोड़ी सी खांसी लगी है, तो वो भी हमारे लिए हार्ट अटैक, जो हमारी सीता है समीक्षा वो भी, उसका एक शो और आ रहा है धारावी बैंक, उसका एक और अभी शो अभी गया है कोई और, तो वो भी बहुत प्रमोशन है, देखो जो थोड़ा सा उसकी तबीयत खराब हो रही है। तो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई सारे जो टीम है वो सबके सब तबीयत भी बहुत जरूरी है, सेहत भी बहुत जरूरी है। तो आई थिंक वी ऑल रेडी, बस मैंने सिद्धार्थ और समीक्षा को बोला कि भैया आराम करो, आज गरम गरम चाय पियो, हॉट ये थोड़ा स्टीम लो, थोड़ा रिलैक्स करो, टेंशन फ्री रहो, बिकॉज सब तैयार है। मुझे नहीं लगता कि कोई गलती होगी, राम जी की कृपा है और आशीर्वाद है तभी ये शो होने जा रहा है, और सबके सब इतने तैयार है कि फ्लॉलेस होगा। चलिए, बिल्कुल फ्लॉलेस होगा, और उसके बाद ऑडियंस की आप फीडबैक के लिए बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं, एक्साइटेड हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ऑडियंस हमें बताए कि उन्हें कैसा लगा, राइट, क्योंकि आई थिंक ये एक अद्भुत चीज बनने जा रही है। तो जो लोग आएंगे वो भी भक्ति भाव से, श्रद्धा से आएंगे, और उसमें हम कुछ सीख भी देके जा रहे हैं इस प्ले के अंदर। तो वो जब वो देखेंगे लोग तो बोलेंगे ओह माय गॉड ये क्या है। तो आई होप एवरीबॉडी एक्सेप्ट्स कि ये ब्यूटीफुली एक चीज जो प्रस्तुत हो रही है, उसमें जो सीख है वो सीखे, उस पे अमल करें, राइट। तो अभी आपको बातें सुनकर तो अच्छा लग ही रहा होगा, मजा आ ही रहा होगा, एक्साइटमेंट भी आ रहा होगा, तो जाके टिकट बुक कर सकते हैं, क्योंकि टिकट ऑनलाइन अवेलेबल हैं, वो बुक कर सकते हैं आप अभी से, ताकि ऐसा ना हो कि आप बस आज ही कर लो ये करना है, क्योंकि ये तो फुल हो जाएगा आई थिंक, एंड ये शो आगे आगे इसकी टिकट मिला नहीं करेगी। ओके, अभी कर लो जो करना है, राइट। नॉर्मली ये होता है कि जब हम फिल्मी परिवार से होते हैं तो लोग बोलते हैं ग्लैमर पहले अटैक करता है, लेकिन आपके जो फादर थे, पिता थे, वो थे दारा सिंह, जिनका पहले ही वो लीजेंड है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से स्पोर्ट्स में किया है, रेसलिंग में किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा था, फिल्मों में आया उसमें कमाल किया, तो उनका नाम भी उनसे बड़ा, उसके बाद सबसे बढ़िया था उनकी रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा बढ़ी, बिल्कुल, है ना, जो आज भी आज की जनरेशन भी नाम ले लो तो एक रेस्पेक्ट जागती है। तो उनसे आपको ऐसी क्या सीख मिली फिल्म इंडस्ट्री को लेकर? हाँ, उनसे जो सबसे बेस्ट सीख मिली कि जमीन पर रहना, ये जो एक सीख है ना कि जमीन पर ही रहना, कभी उड़ना मत, तो वो बेस्ट सीख है आई थिंक, वो सबको फॉलो करनी चाहिए, बिकॉज टाइम सबका अप भी आएगा डाउन भी आएगा, लेकिन अगर आप जमीन पे रहोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ने वाला कोई चीज़ के साथ, तो स्टे ग्राउंडेड,
आई थिंक सबसे ज्यादा बेस्ट सीख जो डैड से मिली. और हनुमान जी के लिए तो उन्होंने स्पेशल सीख दी थी बहुत सारी. अच्छा. तो उसमें जो सीखे हैं वो मैं फर्स्ट डे से आज तक फॉलो करते आ रहा हूँ. जब मैं फर्स्ट डे शूटिंग करने जा रहा था पहली बार जिंदगी में, डैड ने मुझे इधर आ, अब बैठ, तू कल जा रहा है हनुमान जी की शूटिंग करने तो तुझे मैं कुछ समझाऊंगा. मैं क्या डैड? बोला ना दारू की तरफ हाथ लगाना, ना नॉन वेज के बारे में हाथ टच भी नहीं, आसपास भी नहीं, ना कोई थॉट गलत आने देना. थॉट भी गलत नहीं आना माइंड में. जब आप हनुमान जी के सेवा करने स्टार्ट हो गए, मेकअप लग गया, तो उसका थॉट भी गलत आएगा ना तो बर्बाद हो जाएगा. तो थॉट भी नहीं आने देना. तो इट्स सच अ ब्यूटीफुल सीख जो उन्होंने मुझे दी, वो आज तक मैं फॉलो करता हूँ और वैसे ही करते आया हूँ. तभी इतने सालों से मैं हनुमान जी की सेवा करते जा रहा हूँ और वो भी पसंद है और आप लोग सब भी खुश हैं. थैंक यू देवी. तो ये हैं मेरे साथ थे बिंदु दारा सिंह जी. बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई. हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूं आप लोग के लिए. पहली बात तो ये है कि जय श्री राम हनुमान देखने जरूर जाइए और पता करिए कि आपके शहर में, आपके सिटी में कब आ रहा है, ये भी जानना जरूरी है. क्योंकि इस तरह का शो अगर आपने नहीं देखा तो रामायण को वाकई उस रूप में कभी नहीं देख पाएंगे, कभी नहीं एक्सपीरियंस ले पाएंगे जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ इसकी सिर्फ रिहर्सल देखकर. मैं तो शो देखने जरूर जाऊँगा. तो पता करते रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा. दूसरी बात ये कि हम सब बात करते हैं बाहरी दुनिया में नेपोटिज्म की, लेकिन नेपोटिज्म साथ नहीं चलता है बल्कि वो लेगेसी साथ में चलती है, वो सीख साथ में चलती हैं. तो वाकई आदमी जमा रहता है, बना रहता है, जैसा कि मुझे बिंदु जी ने बताया. अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा. तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.